टाइगर ने गोल किया माता जी। 500 रुपये फीस हमें तो जब है। कौन कहाँ पे है? कौन कौन कहाँ पे है? पूरा खोल दे। वो तुम दो मुझे। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भावना सिंह भाटिया, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे। बहुत टाइम से मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे क्योंकि मैं नहीं डाल पा रही। मैं यही सोचती हूँ नहीं मैं कंटिन्यू डालूंगी, लेकिन फिर ऐसे ढह जाती हूँ। इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगी, सर मैं डालूंगी तो ये ब्लॉग पहले आएगा। इसके बाद मैंने बहुत सारे ब्लॉग शूट करके रख रखे हैं, वो नहीं डाल पा रही तो वो भी मैं अभी डालूंगी कंटिन्यू करके। और कल आया था भाभी का फोन और जयश जी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, उसके चेकअप के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना है, तो बस मैं अभी वहीं के लिए निकल रही हूँ। मैं वहाँ जाऊँगी और मुझे आज बहुत सारे काम है। कुछ ओढ़नियाँ पैक करवा के लानी है। एक ओढ़नी के गोटा अच्छे से नहीं लगा था, मैंने एक सूट लिया था उस पर अभी प्योर की ओढ़नी है, उसको अच्छे से दोबारा मुझे देख के आनी पड़े किसी और को। और एक मैं बंदेज की पोशाक लाने का सोच रही हूँ, तो बस आज वहीं जाऊँगी। अगर मुझे अच्छी लगी तो देखते हैं। और बस अभी मैं निकलती हूँ क्योंकि मुझे और भी नीचे भी बहुत सारे काम है। सो मैं भाभी के घर पे पहुंच गई हूँ और वो दोनों पहले से ही रेडी थे, मैं ही थोड़ी लेट थी हमेशा की तरह। तो बस हमने वहाँ पहुंच के बस उसको कपड़े सर्दी के कपड़े पहनाए थे क्योंकि हम लोग ऑटो या कैब वगैरह करके जाने वाले थे, तो उसको बाहर की है जो ठंड लग जाती। तो बस वहाँ लास्ट है 5 to 10 मिनट ही मैं रुकी थी, और हॉस्पिटल भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, 10 मिनट के डिस्टेंस पर था, तो हम बस वहाँ से फटाफट निकल गए। सो हमें जिस डॉक्टर को दिखाना था वो डॉक्टर थे नहीं, वो शाम को 5 बजे आते, तो हम लोग एक बार वापस आ गए थे। हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन। मैं और मेरी अपनी बेटी के साथ जयश्री जीनी के साथ यहाँ हूँ, और ये भावना सिंह भाटी जिसे हम कली बुआ कहते हैं, कली बुआ कहते हैं जिसको हम। हाँ यस यस, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर ओके और वी आर ऑलवेज ओके। एंड देख रही हूँ। हाँ जीनी, ये देखो ये कली बुआ का ब्लॉग है जिसे अपन बावन। हेलो हाय हाय, आज जीनी कनी बुआ के साथ बाहर आउटिंग पे गई थी और मोडू आए होगे। मोडू गोली किया हमारी, तू से चला तू गोली किया हमारी, तू मोडू गए क्या हमारी? हाँ क्या हमारी? हाँ मेरा दादाजी बकरी रखता, टाइगर बकरी खाना। दादाजी क्या बोलिया? टाइगर ने क्या बोलिया? नहीं हाथ से बताओ, हाथ से बताओ। दादाजी क्या बोलिया? बकरी नहीं, बकरी नहीं खानी। फिर टाइगर ने गोल किया माता जी, क्या हमारी? हाँ टाइगर फिर सुबह छो रात नहीं हुई नहीं। बकरी क्या बोली? मैं दादी क्या बोलिया? बकरी कहता था टाइगर ने नहीं। बकरी नहीं, क्या बोलिया? हाँ फिर गोल किया माता जी। हाँ आ गया दादी घर आ गया। हेलो बोल, हेलो हेलो माननीय सदस्य, आप कुछ बोलेंगे? बोलो बकरी कैसे बोलेगी? जी नहीं, बकरी कैसे बोलेगी? गोल किया हमारी दादी, भूंग भूंग मार दिले। मैं कौन है अपने घर पे? बुआ। कौन है? बुआ। बुआ कौन? बुआ कौन? नहीं बुआ कौन सी? बुआ कन्नी, बुआ कन्नी, बुआ कन्नी, बुआ कन्नी, बुआ गोली मारती कन्नी। बुआ कौन लेके हो? क्या मरी कनी बुआ ने? गुरुजी क्या गुटी? धड़ा धड़ाम धड़ाम क्या गुटी? धड़ा धड़ा गुटी कनी बुआ ने। और कनी बुआ कनी बुआ कनी बुआ कनी बुआ ज्यादा बोली की तो कान खराब हुई की। बोलो कनी बुआ ने आपसे जोर से बोला क्या? बता। हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? आई थिंक आप सब ओके होंगे, जैसे ये बोलती रहती है ब्लॉगर भावना सिंह। एंड अभी हम हमारे कजन ब्रदर हैं आशीष ब्रोड,
उनके घर पे जाने, वो अभी जयपुर में रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं और अभी उनके घर पे जाके हमने तो हमारे घर पे लड़ाई कर ली है और अब उनके घर पे जाकर लड़ाई करेंगे ताकि उनको लगे कि आया हुआ है। तो सो गाइस मैं और ये जो भी है वीडियो बना रहा है मेरा और या हाँ कैमरामैन ये है भावना सनी और ये मेरी बेटी जयश्री साथ जाएंगे अपन हुआ करने। यस नेक्स्ट गाइस हुआ धूम धड़ा का ये है पापा का मोबाइल दे दीजिए। हेलो हाउ आर यू, अभी हम जा रहे हैं आशीष गोटकर, हम निकल गए, हम अपनी एक्टिवा पे लगे। हाय गाइस हम आ चुके हैं आशीष के घर। हेलो गाइस अब आ चुके हम आशीष के घर पे और अभी हम जा रहे हैं तो हम लोग आ गए हैं आशीष के घर पे। आशीष मेरे छोटे छोटे भोसा का लड़का है, ये उनकी वाइफ है ज्योति, वो भी अभी शिफ्ट हुए। हेलो आ गए हैं बुगी भाई, बुगी भाई भाई बुगी छेड़ो। हेलो जीनू ते पापा ने बोले क्यों तोड़ दियोगे, बंद कर दो, खोलना ना सिखा दो, बाहर पूरा खोल दे। नाम तो आओ को नहीं, यो नाम लंबो है तो थोड़ा हार्ड है। प्लीज यार शट अप यार, वॉइस तुम्हारी जरूरत नहीं है अभी इसमें। इधर आ दीपांच, इधर आ, क्यों बता पिछू लाइट आ रही है, मैं तो कहाँ काड़ो हो गयो। देखो आदमी कत्तो यहाँ लागे साउथ साउथ आरो है ना, सेम ड्रेसिंग सेम भी है लागे जिया काड़ो हो ड्रेसिंग और ये है आशीष, उसके बेटी दीपांशी और वो भाभी है ज्योति और इसको आप जानते हो, ये है दया सिंह और ये वाइफ है उसकी रोमिका और ये पहले से ही रहते हैं। ये मेरे बड़े बाबूसा के बेटे हैं, वो भुआसा का बेटा है आशीष और अभी दोनों यहीं रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि आधी फैमिली मेरी भी यहीं रहती है। सो फ्रेंड उसके बाद में हम आ गए हॉस्पिटल में, अपॉइंटमेंट लिया हुआ नहीं था, हैंड टू हैंड ही लिया था, हमें 5 बजे दिखाना था तो हम आ गए और ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हमसे पहले एक ही पेशेंट थे तो हमारा सेकंड नंबर ही था। वेट कितना है इसका? वही हाँ मैम 13। वो भी चलो ठीक है, अभी का एक ही पेशेंट है डॉक्टर का, नंबर भी जल्दी आओगे। दिल्ली कौन बन गया? जयश्री। कान कहाँ है जयश्री के? कान कहाँ है? देखो ऊपर है वो, देख उसमें देख, कान कहाँ दिख रहे हैं? कितने बड़े बड़े, कितने बड़े बड़े हैं कान थे, हाय देख देखिए आंखें मत करती। जय श्री। बिल्ली के दो कान दो आंखें एक नाक, एक नाक ये रहा। जय श्री कहाँ है? एक ये रे एक ये रहा, ये बच्चे को ये रहा। कहाँ पे है कान? कौन कहाँ है? दो कान। जयश्री कितने कान है? ऐसे कितने हैं? दो। दो कैसे होते हैं? ऐसे दो। कितने कान है? वो सही है, जोर कौन लगाना पड़ा। आगे हो थोड़ा। हाँ होटल में आ रहा है, अभी जा रही है। बस एक ही दवाई है? एक ही दवाई। ओके 14 दिन तक 373। और वापस आने का क्या लिखा है डॉक्टर ने? अभी तो कल आना है सच्चे। 370 आ जाओ। पता नहीं कहाँ है, तो मुझे तो ऐसे ही बोला वो डॉक्टर। बात तो सही कह रही है, फाइबर बहुत कम खा रही है,
आई बट तो मैं नहीं खाई थी सब्जियां मैं तो थे यार आशीर्वाद आटो खाए इन मैदो है वो लक्ष्मी भोग खाए वो लक्ष्मी भोग भी मैदो ही है इन डॉक्टर को छाड़नो भी को नहीं आटो मतलब समझ गया वो तो मैं अब पीसनो करूंगी कल भी तो मैं पीसनो करूंगी और मोटो पीसवाऊंगी पिछली बार और मैं अभी दूंगी और यहां करूंगी जाऊं बाय जा रही हूं मैं जाऊं हैं ना अड रुक जाऊं के आज रुक जाऊं के जय श्री हैं रुक जाऊं के अड रह जाऊं मैं साके चले ते पापा किन गया पापा ने कौन ले गयो मोडो किया खा गया फिर मोडो हाओ किया खा गो तो चलो ना मैं तो यही रुक जाता हूँ आज आज जल्दी कर नाटक मत करो क्यों मैं सुबह बोला था कि मैं रुक रहा हूँ चाबी ले जाओ आप ही नहीं लेके गए अब आप क्या लेने आए यहाँ पे मैं जेल करा दूंगी आपको ठीक है अभी तो चल ये पूरी इंस्पेक्टर को बोलूंगी आदमी मेरे को जबरदस्ती मेरे भाई के घर से ले गया बोल देना फिर वो ऐसे बोले क्यों भाई ऐसा क्यों किया तुम तो लकी हो तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ जाने को तैयार नहीं है तुम बड़े अकेले रहते एक दो दिन ग्रीन लीफ वेजिटेबल यस फ्रूट यस यस फ्रीज की चीजें अवॉइड करनी है ना तो आप जाओ मैं रुकती हूँ आज आज मेरे को भी तो छुट्टी चाहिए आपकी दो दिन छुट्टी थी ना बीच में बनाना लेना पोटैटो आलू लेना कोई मेरी बात को अवॉइड कर रहा है कोई मेरी बात को नहीं सुन रहा है कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है ऐसे मेरा फोन टूट जाएगा अरे मेरा फोन टूट जाएगा ये पानी क्या बताओ ऐसा कोई मौका कोई पति होगा कि उसको मौका मिले बीवी को छोड़ के आराम से एक दो दिन ऐसे चैन से रहे दुनिया मरती है और मैं नहीं गाइस मैं रहना चाहती हूँ मेरे भाई के घर से मेरे को जबरदस्ती लेके जा रहा है ये इंसान बताओ ऐसे थोड़ी होता है ऐसे नहीं होता फिर मैं 15 की जगह 20 दिन कर जाऊंगी ठीक है मैं एक शर्त पे चलूंगी आपके साथ में फिर मैं 15 दिन की जगह 20 दिन जाऊंगी अपने घर ये आपके सामने बोल रहे हो ये मैं ब्लॉग में ऐड डालूंगी वचन दो मुझे Give me वचन वचन ऐसे प्रेम से रहना चाहिए बोल दो खोल आपको बड़ा ऐसे शौक रहता है मेरे पार्सल खोलने का मतलब मैं कोई भी मेरा पार्सल हो किसी को ऐसे पार्सल खोलने में खुशी मिलती है ना ये देखो ये इंसान दिख रहा है ना आपको पार्सल खोलने में जो खुशी मिलती भले उसके अंदर हो कुछ ही ऐसे अंदर से पता नहीं संतुष्टि आ जाती है इस पार्सल खोल के गाइस मैंने मंगवाया है वॉल पेपर चिकना है क्या सो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले नए ब्लॉग्स की अपडेट है वो मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में